दिल दीवाना दिन सजना के माने ना। अल्बर्ट काबो एक ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज और आकर्षक पर्सनालिटी से लाखों फैंस की दिल जीती है। उन्हें पॉपुलर सिंगर रियलिटी शो सारे गामापा में उनकी भागीदारी के लिए जाना जाता है, जहां उन्होंने अपनी टैलेंट सबको दिखाया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इस अद्भुत कलाकार के लाइफस्टाइल और पूरी बायोग्राफी को बताने वाले हैं। उनकी उम्र, ऊंचाई, परिवार, उनकी पत्नी और उनकी अनमोल बेटी के साथ उनके रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सब भी अल्बर्ट के फैंस हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को छोटे डेज कर कहीं मत जाइएगा। अल्बर्ट काबो और उनकी पत्नी पूजा छेत्री एवलिन काबू लेप्चा नाम की एक खूबसूरत बेटी के माँ बाप हैं, लेकिन वह मर चुकी है। उनकी बेटी उनके लाइफ में खुशी और इंस्पिरेशन का साधन है और वो अक्सर अपने सिंगिंग में उसके लिए अपना प्यार और आभार व्यक्त करते हैं। उनकी बेटी एक साल से भी कम उम्र की थी और उसे कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था क्योंकि वो बहुत बीमार थी और उसे इलाज की जरूरत थी। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद अगस्त 2023 में बहुत कम उम्र में एवलिन का निधन हो गया। अल्बर्ट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दिल दहला देने वाली खबर शेयर की और अपने फैंस और दोस्तों से सहानुभूति व्यक्त की। अल्बर्ट काबो की एक बहन है जिसका नाम अल्बिना लेप्चा है, जो एक सिंगर भी है। उन्होंने 2010 में सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल में भाग लिया और टॉप 24 कंटेस्टेंट तक पहुंची। उनकी शादी प्रशांत तमांग से हुई है, जो इंडियन आइडल सीजन 3 के विजेता हैं। उनका एक बेटा है जिसका नाम प्रणव तमांग है। अब बात करते हैं अल्बर्ट काबो की हाइट और वेट का। अल्बर्ट काबो की ऊंचाई 5 फीट 8 इंच है और वजन लगभग 69 केजी है। उनका शरीर पतला और फिट है और रंग गोरा है। उसके काले बाल और काली आंखें हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करें अल्बर्ट की बायोग्राफी बैकग्राउंड के बारे में, तो बता देती हूँ। अल्बर्ट काबो का जन्म 1988 में हुआ था और उम्र 2023 के हिसाब से 35 वर्ष की है। भारत के पश्चिम बंगाल के एक हिल स्टेशन कलिम्पोंग में हुआ था। वो लेप्चा समुदाय से हैं, जो हिमालय क्षेत्र का एक स्वदेशी जातीय समूह है। वो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध माहौल में पले बढ़े, जहां छोटी उम्र से ही उनमें संगीत के प्रति जुनून पैदा हो गया। उन्होंने गिटार, कीबोर्ड और हारमोनिका जैसे विभिन्न संगीत वाद्य यंत्र बजाना सीखा। उन्होंने हिंदी, बंगाली, नेपाली और अंग्रेजी जैसी और भी भाषाओं में गाने गाए। अल्बर्ट काबो ने अपनी स्कूली शिक्षा कलिम्पोंग के सेंट ऑगस्टीन स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। उन्होंने NIIT से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी हासिल किया। उन्होंने विभिन्न स्कूलों और संस्थानों में कंप्यूटर शिक्षक और संगीत प्रशिक्षक के रूप में काम किया। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों और अवसरों पर एक सिंगर के रूप में भी प्रदर्शन किया। बात करें अल्बर्ट को करियर के बारे में, एक गायक के रूप में अल्बर्ट काबो का करियर तब शुरू हुआ जब उन्हें जी टीवी पर सिंगिंग रियलिटी शो सारे गामापा 2023 के लिए ऑडिशन का निमंत्रण मिला। शो में अनु मलिक, हिमेश रेशमिया और नीति मोहन जज थे और आदित्य नारायण होस्ट थे। काबो ने फिल्म बॉडीगार्ड से त्रिय लोक, रॉक, पॉप और रैप जैसी विभिन्न तरह के गाने गाए। उन्होंने मंच पर विभिन्न वाद्य यंत्र बजाकर अपनी संगीत प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए जजों, गेस्ट हस्तियों और दर्शकों से तारीफ मिली। अल्बर्ट काबो ने प्रशंसकों के बीच अपनी लोकप्रियता के लिए फेसबुक व्यूअर्स चॉइस अवार्ड भी जीता। उन्हें एक ट्रॉफी और रुपये का नकद पुरस्कार मिला। इस पुरस्कार के लिए 1,00,000 रुपए मिला। सारे गामा पर 2023 में आने से पहले अल्बर्ट ने जी बांग्ला पर और एक सिंगिंग रियलिटी शो सारे गामा पर बांग्ला 2022 में भी भाग लिया था। शो में शांतनु मोइत्रा, रचा शर्मा, श्रीकांत आचार्य जज और जिशु सेनगुप्ता होस्ट थे। अल्बर्ट काबो ने एक शानदार कलाकार के रूप में कुछ गाने भी रिलीज किए हैं। उनके कुछ गाने हैं तुमसे मिलके, दिल से दिल तक, तेरे बिना और तू ही है। उन्होंने अल्बिना लेप्चा, प्रशांत तमांग और सोनिया गजमेर जैसे अन्य गायकों के साथ भी काम किया है। उन्होंने भारत और विदेशों में कई सारे लाइव शो और संगीत कार्यक्रमों में भी प्रदर्शन किया है। बात करें अल्बर्ट काबो की नेटवर्थ और अर्निंग्स के बारे में, तो बता देती हूँ अल्बर्ट काबो की अनुमानित कुल संपत्ति रू से अधिक है, कुछ स्रोतों के अनुसार 3 करोड़। वो अपनी आय कमाई अपने सिंगिंग करियर से करते हैं। वो लगभग हर गाने में 1,00,000 रुपए लेते हैं।
इवेंट और जगह के मुताबिक हर शो में 2 लाख लेते हैं। वह अपने एकल सहयोग और विज्ञापन से भी कमाई करते हैं। उन्होंने सैमसंग, वीवो और पेप्सी जैसे कुछ ब्रांडों का समर्थन किया है। काबो एक शानदार जीवन शैली जीता है और उसके पास कुछ महंगी संपत्ति है। उनका कलिम्पोंग में एक घर है जहां वह अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। उनके पास एक कार, एक बाइक और कुछ गाने वाद्य यंत्र भी हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे अल्बर्ट काबो की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी की वीडियो। आपको ये सभी जानकारी सुन के अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिलहाल के लिए मिलती हो और एक अपडेट की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।